हेलो दोस्तों, मैं इंजीनियर राजकमल आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल किसान आईएएस पे एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। रीजनिंग में हम लोग सिलॉक्स वाला पार्ट लेके चल रहे हैं और पहला कथन के बारे में मैंने कहा था एक एक कथन की अलग से एनालिसिस करके पढ़ेंगे। तो पहला स्टेटमेंट पढ़ा गया था सभी ए बी हैं, ऑल ए आर बी। अब हम लोग दूसरा स्टेटमेंट पढ़ने जा रहे हैं और जब दूसरा पढ़ लेंगे तो पहले के साथ दूसरे को मर्ज किया जाएगा। तीसरा पढ़ेंगे तो फिर उसको भी मर्ज कर लेंगे। तो अब दूसरा स्टेटमेंट जो हम लोगों का शुरू होने जा रहा है उसी का जस्ट नेगेटिव वाला पार्ट, पहले पढ़ा सभी ए बी है, अब उसी को रिलेट कर रहे हैं सभी ए बी नहीं है उससे, और फिर दोनों का पॉजिटिव वाला और नेगेटिव वाला अल्टरनेट कुछ वाला पार्ट पढ़ा जाएगा। तो अभी आप कथन दो लगा लें, हेडिंग आप लगा लें स्टेटमेंट सेकेंड, स्टेटमेंट सेकेंड, ऑल ए आर नॉट बी, सभी ए बी नहीं है, सभी ए बी नहीं है। ठीक है, ये आप लोगों का स्टेटमेंट है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते थे, सबसे पहले इसका वेन डायग्राम बनाते थे। तो इसका वेन डायग्राम बनेगा कैसे, तो ये कह रहा है कि सभी के सभी ए, ये एक वेन डायग्राम बना ए और दूसरा बना ये बी, सभी के सभी ए जो हैं वो बी नहीं है, यानी कि ए और बी एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। यानी जो एलिमेंट बी में है वो एलिमेंट ए में नहीं होगा और जो एलिमेंट ए में है वो एलिमेंट बी में नहीं होगा। मतलब कह सकते हैं ए और बी दोनों का कोई भी एलिमेंट एक दूसरे से मैच नहीं करेगा। सिंपल सी बात है, जो कथन कहेगा आपको मैंने बेसिक में पहले तीन पॉइंट सिखाया था कल, अगर कल वाली वीडियो आप नहीं देखे हैं तो उसको आप देख ले। बेसिक में तीन पॉइंट सिखाया गया था कि ये जो कथन होता है ये 100% सही होता है, ये कथन जो है ये 100% सही है, चाहे यहाँ पे लिख दिया जाए कि सूरज पश्चिम से उगता है तो हम लोग 100% मान के चलेंगे कि ये सही बात कही गई, सूरज पश्चिम से ही उगता है। ठीक है, क्लियर है बातें। तो अगर ये 100% सही है तो अब जो डायग्राम बनाया जाएगा उससे जो निष्कर्ष निकलेगा, अब उस निष्कर्ष को जब चेक करेंगे तो वो सही भी निकल सकता है, सही निकलेगा तो 100% सही, गलत निकलेगा तो 100% गलत भी हो सकता है और उसमें डाउट भी हो सकता है, वो सब पिछली क्लास में डिस्कस किया गया था। अभी अगर इसकी निष्कर्ष की बात करें तो नोट करके लिखाया गया था आपको कल कि जो कथन में दिया गया है वो अगर एज इट इज निष्कर्ष में आ जाए तो वो निष्कर्ष हमेशा 100% सही होता है, सभी ए बी नहीं है, ये मैंने निष्कर्ष में लिख दिया। तो जो कथन में दिया हुआ है एज इट इज निष्कर्ष में आने लगा तो क्या होने लगा, सही होने लगा। अब एक चीज आपको समझनी है कि देखिए जब सभी ए बी नहीं है तो अब आप बताइए कुछ ए बी नहीं है ये सही होगा या गलत होगा। तो आप पिछली क्लास में देखे थे कि जब सभी ए बी हैं ये सही हो रहा था तो कुछ ए बी हैं ये सही हो रहा था। जैसे मैं पिछली क्लास में बताया था कि जब एक गांव में रहने वाले सभी के सभी लोग गरीब है, अगर ये बात 100% सही है तो उस गांव में रहने वाले कुछ लोग गरीब होंगे, ये बात भी 100% क्या होगी, सही होगी। अब उसी का जस्ट काउंटर वाला पार्ट देखें, नेगेटिव वाला। अगर मैं कहूं कि एक गांव में रहने वाले सभी के सभी लोग गरीब नहीं है, मतलब उस गांव में रहने वाला कोई भी बंदा गरीब नहीं है, ये बात अगर 100% सही है तो अब पूछूं आपसे कि उस गांव में रहने वाले कुछ लोग गरीब नहीं थे, ये भी क्या होगा, सही होगा। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, मैंने कहा कि एक शहर में रहने वाले सभी के सभी लोग ईमानदार नहीं है, मतलब सारे के सारे लोग ईमानदार नहीं है, कोई भी ईमानदार उसमें नहीं है, कोई भी ईमानदार नहीं है, इसका मतलब अगर मैं इसको सही मानूं और फिर मैं कहूं कि उस शहर में रहने वाले कुछ लोग ईमानदार नहीं है, तो जब सभी लोग ईमानदार नहीं है, कोई ईमानदार बचा ही नहीं है, तो कुछ लोग ईमानदार नहीं, ये वाली बात भी क्या होगी, सही होगी। ठीक वैसे ही सभी ए बी नहीं है ये सही हो रहा है तो कुछ ए बी नहीं, ये भी क्या हो जाएगा, सही। और इसको मैं नोट करके लिखा दे रहा हूं, जब भी स्टेटमेंट इसकी बात आएगी तो ये ध्यान रखिएगा, वहां पे जब सभी वाला सही होता था कुछ वाला सही हो जा रहा है, यहाँ पे जब सभी वाला निष्कर्ष सभी नहीं वाला, सभी नहीं यानी ऑल नॉट सभी नहीं वाला निष्कर्ष, वाला निष्कर्ष निष्कर्ष सही है, सही है तो कुछ नहीं वाला निष्कर्ष निष्कर्ष हमेशा क्या होगा,
हमेशा सही होगा, चाहे ये सेंस पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। वहां पे पॉजिटिव सेंस में कहा गया था, बताया गया था, उसको यहां पे नोट करके आप लिख लीजिए कि जब जब सभी वाला निष्कर्ष सही है, वाला निष्कर्ष सही है तब कुछ वाला निष्कर्ष क्या होगा, सही होगा। निष्कर्ष हमेशा सही होगा। इतनी बातें आपको क्लियर होंगी। वहां सभी के लिए बात कही गई थी, ऑल के लिए बात किया गया था, यहाँ पे ऑल नॉट के लिए बात किया गया था, किया गया है, लेकिन सारी चीजें वैसे ही चलेंगी। ठीक है, सभी ए बी नहीं है ये सही हो गया, कुछ ए बी नहीं है ये सही हो गया, और तीसरी बात करते हैं कि सभी बी ए नहीं है, मतलब कोई भी इसको लिखा ऐसे भी जा सकता है, नहीं है, कभी कभी निष्कर्ष में ये भी लिखा रहेगा कि कोई भी ए कोई भी बी ए नहीं है। इंग्लिश वालों को कोई परेशानी है नहीं, ऑल ए आर नॉट बी, सम ए आर नॉट बी, ऑल बी आर नॉट ए, नो बी आर ए, एक ही बात हुई, दोनों को चेक करेंगे। तो जब ए का कोई एलिमेंट बी में नहीं मैच किया, बी का कोई एलिमेंट ए में मैच नहीं किया, तो इसमें क्या होगा, ये हमेशा लिखा गया है कि बी का कोई एलिमेंट ए से मैच नहीं कर रहा था, ये भी क्या कह रहा है, सही कह रहा है, चाहे इसको कहें चाहे इसको, दोनों एक ही बात हो रही है। और इसी का कुछ वाला पार्ट बोल दें कि कुछ कुछ बी ए नहीं है, कुछ भी ए नहीं है, तो जब सभी बी ए नहीं है ये बात सही हो रही है। जब सभी नहीं वाला निष्कर्ष सही हो रहा है तो सम नॉट वाला निष्कर्ष यानी कुछ नहीं वाला निष्कर्ष भी अपने आप क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, तो ये वाला भी क्या हो रहा है, सही हो रहा है। क्लियर बात है यहां तक। अब देखिए, अगर मैं ये लिखता हूं, यहां मैं मिटा के इसको हटाता हूं, अगर निष्कर्ष पांचवा लिखता हूं इसी के लिए, सेम इसके लिए ही, कि सभी ए बी हैं, सभी ए बी हैं, तो आप बताइएगा सभी ए बी हैं, यहां कह रहा है कि ए का कोई एलिमेंट बी से मैच ही नहीं कर सकता, बी वाला कोई ए से मैच नहीं कर सकता, वहां कह रहा है कि सभी सभी ए बी हो जा रहे हैं, तो गलत कह रहा है, ये बात 100% गलत है, इसमें कोई डाउट वाला केस है ही नहीं। दूसरी चीज, अगर मैं ये लिखूं कि कुछ ए बी हैं, हमें पता है कि ए का कोई भी भाग बी से मैच नहीं करेगा, और ये कह रहा है कुछ ए बी हैं, तो ये भी क्या बोल रहा है, ये गलत बोल रहा है। इसके नीचे अगर देखा जाए, इसको हटाते हैं, ये आप नोट एक बार नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसको हटाते हैं। ठीक है, देखें, छठा के बाद अगर सातवें की बारी आई और मैं ये लिखा मैंने कि सभी बी ए हैं, सभी बी ए हैं, सभी बी ए हैं, सभी बी ए कहां हो पा रहे हैं, सभी के सभी बी ए नहीं है, ये बात सही है, कोई मैच नहीं कर रहा ये सही है, और कह रहा है सभी के सभी बी मैच करेंगे, तो ये क्या है, गलत है। और इसी में अगर कुछ लगा दे, इसी में अगर कुछ लगा दे कि कुछ बी ए हैं, कुछ बी ए हैं, तो ये भी क्या हो रहा है, ये भी सिंपल सी बात है, गलत हो रहा है। ठीक है, अच्छा एक चीज आप समझिएगा बहुत ही ध्यान से, जब मैंने सभी वाला पढ़ाया था तो वहां सभी के लिए दो वेन डायग्राम बना था, दो वेन डायग्राम बना था, उसमें से मैंने कहा था कि आपको एग्जाम में केवल एक ही बनाना है। यहां तो हम लोग जब पढ़ रहे हैं तो ऑलरेडी एक ही वेन डायग्राम बना हुआ है, और आप याद करिए कि जब चीजें गलत होती थी तो गलत दो सेंस में होती थी, एक तो होता था 100% गलत, और दूसरा होता था डाउट के साथ गलत। 100% गलत का मतलब कि जितना वेन डायग्राम बने, जो उस जो कथन को क्वालिफाई कराते हुए वेन डायग्राम बने, उस सारे वेन डायग्राम में अगर सही होता था निष्कर्ष तो कहते थे ये 100% सही है, अगर टोटल गलत होता था सब में तो कहते थे ये 100% गलत है, और कहीं सही हुआ कहीं गलत हुआ तो उसको डाउट बोला करते थे। यहां तो ऑलरेडी एक ही वेन डायग्राम बन रहा है तो यहां पे डाउट का तो कोई केस नहीं होगा, अगर सही होगा तो सही, गलत हुआ तो गलत, यानी कि 100% या तो सही होगा या तो 100% गलत होगा। यानी अगर सभी ए बी नहीं है, केवल इतना लिखा जाए, केवल मैं ये लिख दूं कि सभी ए बी नहीं है, तो ए और बी में जो भी लिंक पूछा जाएगा वो 100% या तो सही होगा या तो 100% गलत होगा, उसमें कभी भी डाउट वाला केस नहीं आएगा।
क्लियर बात है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जब आप एक दूसरी चीज और समझिए, जब डाउट वाला केस नहीं आएगा तो संभावना क्या लगेगी, अगर अगर आप संभावना लगाते थे तो जहां पे 100% सही होता था और जहां पे 100% गलत होता था वहां संभावना लगती थी, तो वो टोटल का निष्कर्ष जो था उसको क्या करती थी, गलत कर देती थी। संभावना हमेशा किसके साथ लगने पे सही होता था, तो डाउट के साथ। यहाँ पे डाउट आ ही नहीं रहा है तो जो भी निष्कर्ष पूछा जाएगा संभावना लगाने के साथ उसको बोल दिया करेंगे ये क्या हो जाएगा, गलत। लिंक इसमें दिया रहेगा, ए और बी के बारे में लिखा रहेगा। जैसे मैंने मैंने इस ऐसे लिखा, मैंने ऐसे लिखा कि सभी ए का बी नहीं होने की संभावना है, सभी ए का बी नहीं होने की संभावना है। तो पहले आप संभावना को ढक लेंगे, अब आप चेक करेंगे सभी ए बी नहीं है, तो सभी ए बी नहीं है, यहाँ पे क्या हो रहा है, सभी ए बी नहीं 100% सही हो रहा है और सही के साथ संभावना लगती है तो क्या होने लगता है, वो गलत होने लगता है। जिसको नहीं समझ में आ रहा है ये संभावना कैसे सही हुआ, वो पीछे वाला वीडियो देख ले, उसमें संभावना को पूरा अच्छे से डिस्कस किया गया है। अगला मैं लिखता हूं, कुछ ए का बी नहीं होने की संभावना है, कुछ ए का बी नहीं होने की संभावना है। तो एक चीज समझे आप, अगर संभावना को ढकता हूं और पढ़ूंगा कि कुछ ए बी नहीं है, तो आप यहां पे देखिए कुछ ए बी नहीं है, ये बात 100% क्या है, सही है, और 100% सही के साथ संभावना फिर से लगा हुआ है, तो ये निष्कर्ष क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगला मैं लिखता हूं और इसको एक बार आप बताइएगा कि सभी ए का बी होने की संभावना है, सभी ए का बी होने की संभावना है। फिर से आप संभावना कवर करिए और देखिए कि उसका मीनिंग क्या निकली, सेंस क्या निकला, सभी ए बी हैं, सभी ए बी हैं, ये बात क्या हो रही है, देखिए सभी ए बी है बात 100% गलत हो रही है, और 100% गलत के साथ संभावना जुड़ जाता था तो ये निष्कर्ष क्या होता था, तो निष्कर्ष हो जाता था गलत। संभावना केवल डाउट के साथ जुड़ती थी तो सही होता था, पीछे आपको पहले वाले लेक्चर में बताया गया, ठीक है, यहां तक बातें क्लियर है। अब कुछ एडवांस निष्कर्ष लेते हैं जो इसी से पूछे गए, कथन यही अभी हम लोगों का कथन जो है यही लिखा गया है, अब निष्कर्ष के बारे में बात करते हैं, ठीक है। 11 नंबर के बाद मैं इसको मिटाता हूं, मिटाते हैं इसको, 12 नंबर पे आते हैं और फिर आप चेक करके बताइए कि अब क्या होगा, सही या गलत। और बहुत ही अच्छा निष्कर्ष ले रहा हूं मैं, जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं और हमेशा गलत होते आते रहते हैं। जैसे 11 के बाद 11-12 जो भी है आप नंबर लगा लीजिएगा 11 के बाद, ठीक है, 12 होगा सर। मैंने लिखा कि सभी ए का सी होने की संभावना है, ठीक है। 13 लिख दिया, सभी ए डी नहीं है, या कोई भी ए डी नहीं है, सभी नहीं को मैं कोई नहीं लिख सकता हूं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप चेक करें इसको तो देखें, सभी ए का सी होने की संभावना है, पहले आप संभावना को ढकें, अब चेक करें सभी ए सी हैं, सभी ए सी हैं, ए हमें दिख रहा है, क्या ए और बी के अलावा कथन में सी दिखा, नहीं दिखा। जब कथन में सी नहीं दिखा तो सी से न तो ए का लिंक बता सकते न तो बी का लिंक बता सकते। पिछली वाली क्लास में मैंने अपना एग्जांपल लेके बताया था कि अगर मेरा घर किसी को नहीं पता कि किस डिस्ट्रिक्ट में है तो हमेशा डाउट में रहेगा, वैसे ही सी के बारे में नहीं पता है कि वो स्टेटमेंट में है तो स्टेटमेंट में तो नहीं है, कहीं और होगा, तो सी के बारे में नहीं पता है, ए का सी से लिंक है, बी से लिंक है कि नहीं है, ये सब बातें कहीं कुछ क्लियर नहीं कही गई है। और जिसके बारे में बातें क्लियर नहीं होगी उसके बारे में हमेशा डाउट होगा, उसको ना तो हम लोग सही बोला करेंगे और ना तो हम लोग गलत बोला करेंगे, उसको हमेशा डाउट वाले केस में रख के चला जाएगा। केवल सही उसी को बोला करेंगे
जो कथन में दिया रहेगा वही दोनों 100% सही है। यानी अगर ये बात बोल दी जाए कि सभी ए बी नहीं है, तो हमें केवल इतनी सी बात पता है कि सभी ए बी नहीं है, ए का बी से कोई मैच नहीं है, बी का ए से कोई मैच नहीं है, इसके अलावा बाकी दुनिया में जितनी चीजें हैं सब माया है, सब गलत है, केवल इसी को सही मानते हुए चलेंगे। आगे देखिए, जब मैं कहूंगा कि सभी ए का सी होने की संभावना है, संभावना को ढकूंगा और चेक करूंगा सभी ए सी हैं, सभी ए सी हैं, डाउट हुआ क्योंकि सी के बारे में कुछ बात नहीं की गई है और डाउट के साथ लगा हुआ है संभावना, ये हो जाएगा गलत। अब इससे अगर आप आगे जाएं, इसी को एक्सटेंड करें, तो आप ये कह सकते हैं ए बी का, ए और बी का बाहर के किसी और अल्फाबेट से रिलेशन पूछेगा, किसी आदमी किसी व्यक्ति से रिलेशन पूछेगा, किसी भी चीज से रिलेशन पूछा, तो कह सकते हैं उसमें हमेशा हम लोग डाउट की कंडीशन में रहेंगे क्योंकि कथन में नहीं दिया गया है, और जहां पे डाउट रहेगा वहां पे अगर संभावना जुड़ी रहेगी तो क्या हो जाएगा, वो सही हो जाएगा। जैसे सभी ए डी है, डी नहीं है, तो मैंने देखा कि सभी ए डी नहीं है, ए का डी से क्या रिलेशन है ये हमें नहीं पता है, और ये कहा है कि नहीं है, तो हम कहेंगे कि डी के बारे में अभी कुछ पता ही नहीं है, तो इसमें 100% सही है कि गलत है ये नहीं बता सकते, इसका मतलब क्या हुआ, ये भी डाउट हुआ और ये इसमें डाउट हुआ, या डाउट के साथ क्या होने लगा, गलत। और इसी में संभावना अगर मैं जोड़ दूं, अगर मैं 14 नंबर लिख दूं संभावना जोड़ के कि सभी ए का डी नहीं होने की संभावना है, नहीं होने की संभावना है, या इसी को कभी कभी ऐसे लिख देता है सभी ए डी नहीं है, नहीं है ऐसी एक संभावना है, ऐसी एक संभावना है, एक ही बात है दोनों का, तो संभावना को ढकेंगे तो सेंस निकलेगा सभी ए डी नहीं है, उसमें डाउट हुआ और डाउट के साथ जुड़ी हुई संभावना, तो ये क्या हो जाएगा, फिर सही हो जाएगा। ठीक है, क्लियर बातें, ये रहा हम लोगों का। अभी देखिए, अभी हम लोग अलग अलग चीजों को पढ़ रहे हैं, पहले ऑल ए आर बी पढ़ा था, अब पढ़ रहे हैं ऑल ए आर नॉट बी, अब सम ए आर बी पढ़ेंगे, सम ए आर नॉट बी पढ़ेंगे, और फिर आइदर वाला केस पढ़ेंगे, कुछ स्पेशल केस पढ़ेंगे, तो अभी बहुत सारी चीजें, बहुत सारे कंटेंट बचे हुए हैं, अभी हम लोग केवल सिंगल सिंगल वेन डायग्राम पे क्वेश्चंस कर रहे हैं, बाद में सबको जोड़ा जाएगा, सबको इकट्ठा किया जाएगा और इकट्ठा करके और फिर उसको आगे पढ़ाएंगे और फिर उसको आगे पढ़ा जाएगा। ठीक है, आज वीडियो थोड़ी सी छोटी रहेगी, चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए, मिलते हैं, टेक केयर, बाय।